चलिए खबरों की ओर बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राम वन गमन पथ और रामायण सर्किट का विकास करेगी। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम प्रदेश में राम गमन पथ, रामायण सर्किट, अमरकंटक सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, मां नर्मदा परिक्रमा आदि का विकास करेंगे। इससे रोजगार भी पैदा होगा। चौहान ने रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में पर्यटन की अन्य गतिविधियां शुरू करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चंबल प्रोग्रेस वे के साथ साथ नर्मदा नदी के किनारे क्षेत्रों में नर्मदा एक्सप्रेस वे का विकास किया जाएगा। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा ताकि प्रदेश में समृद्धि लाई जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिए कुछ शहरों में करीब 3 साल पहले शुरू की गई दीनदयाल रसोई योजना प्रदेश के सभी जिलों में शुरू की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि कन्याओं के लिए नए सिरे से लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी और इसके साथ ही प्रदेश के सभी सरकारी कार्यों का शुभारम्भ कन्या पूजन के साथ होगा। पर्यटन की दृष्टि से, क्योंकि पर्यटन रोजगार के नए अवसर सृजित करता है, इसलिए नए पर्यटक सर्किट बनाने का हमने प्रयास प्रारंभ किया है। अमरकंटक सर्किट, रामायण सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, मां नर्मदा परिक्रमा, राम वनगमन पथ, इनका निर्माण किया जाएगा और इनके माध्यम से कई गतिविधियां पर्यटन की प्रारंभ की जाएगी। बफर में सफर जैसे अभियान भी हम प्रारंभ करेंगे जिससे रोजगार के नए अवसर प्रारंभ हो। उद्योगों की दृष्टि से, चाहे वो हमारे बड़े उद्योग हो, उनको अनेकों छूट हमने दी है। एमएसएमईज को प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का पैकेज दिया है, उस पैकेज का हम भरपूर लाभ उठाएंगे, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और एमएसएमई के साथ साथ हमारे लघु और कुटीर उद्योगों के साथ साथ हम सिंगल विंडो को ऐसा बनाएंगे कि स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज। जो हर्डल है, जो अवरोध है, जो बाधाएं हैं, उनको दूर करके तेजी से औद्योगिक विकास का नया अध्याय मध्य प्रदेश की धरती पर प्रारंभ करेंगे। पर्यटन की दृष्टि से, क्योंकि पर्यटन रोजगार के नए अवसर सृजित करता है, इसलिए नए पर्यटक सर्किट बनाने का